प्रदेश के श्रम मंत्री की विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण अपने परिवारों को लेकर इस समय बहुत ही ज्यादा व्यथित हैं। क्षेत्र के विकास की दृष्टि से तालाब निर्माण किया जा रहा है जो कि इन ग्रामीणों की जान का दुश्मन बन रहा है। ग्रामीणों ने जनसुनवाई में पहुंचकर इस बाबत कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बमोरी क्षेत्र के आटाखेड़ी से आए ग्रामीणों ने बताया कि उनके क्षेत्र में तालाब निर्माण स्वीकृत किया गया, लेकिन तालाब बनाए जाने से पूर्व किए जाने वाले सर्वे चिन्हित स्थान से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर किया जा रहा है। ग्रामीणों को अंदेशा है कि यदि उस जगह पर तालाब निर्माण किया गया जहां पर सर्वे किया जा रहा है तो गांव के कई घर डूब क्षेत्र में आ जाएंगे, वहीं कई किसानों की जमीनें भी जलमग्न हो जाएंगी। ऐसी आशंका के निवारण के लिए ग्रामीण पहुंचे जनसुनवाई, जहां उन्होंने कलेक्टर भास्कर लक्षाकार को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि जब तालाब ग्वालटोली पर बनना स्वीकृत हुआ है तो उसे वहीं बनाया जाए, 2 किलोमीटर दूर नहीं। देखने लायक होगा कि प्रशासन इन ग्रामीणों की क्या मदद कर पाता है। समस्या है कि वहां पर ग्वालटोरिया पर जो तालाब का स्वीकृति हुई थी उस तालाब से ऊपर आगे 2 किलोमीटर आगे बढ़ाकर सर्वे हो रहा है, जो कि सभी हम ग्रामवासी लोग उसका विरोध करते हैं। वहाँ पर अगर तालाब बनता है तो कई सारे लोगों के घर परिवार खेती सब कुछ डूब के क्षेत्र में चला जाएगा, इससे कई सारे लोगों के घर परिवार बेघर हो जाएगा। इसके विरोध में हम यह ज्ञापन देने आए थे कि जहाँ पर स्वीकृत हुआ है तालाब वहीं पर बने, उसे 2 किलोमीटर आगे ना बढ़ाते हुए ग्वालटोरिया पर ही बनाया जाए।